सो साथ साथ जी आप जो पंचायती चोणां होईआं ने उहदे विच भाई रणजीत सिंह वारू जो सरपंच दे उम्मीदवार सन उहनां नूं वाहिगुरू दी कृपा सदका जित हासिल होई। जित हासिल होण तों बाद समुची संगत ते समुचा परिवार रणजीत सिंह वारू दा ते मलकीत नंबरदार जीआं दा सारे परिवार वल्लों जित तों बाद वाहिगुरू दा शुकराना करन वास्ते गुरु की हजूरी विच पहुंचे हो क्यों वाहिगुरू की कृपा तो बिना उन्होंने अपार कृपा हुई है। उन्होंने कृपा सद के यह जित हासिल हुई है। वाहिगुरू की कृपा तो बिना कुछ भी संभव नहीं। उन्होंने अपार कृपा हुई है। सो अपना भी फर्ज बनता सी कि गुरु का शुकराना करके सो समुची संगत गुरु की हजूरी विच पहुंच के गुरु का शुकराना करना अपना फर्ज है। कोई कोट कोट धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जिन्हों की बदौलत यह सरपंची का ताज भाई रणजीत सिंह वारू उन्होंने धर्म पत्नी बीबी परविंदर कौर के सिर सजे है। यह मैं तो ताज नहीं कहूंगा, मैं यह कहूंगा जिम्मेवारी है। एक कबीलदारी पिंड ने सौंपी है। एक कबीलदार पढ़िया लिखा सूझवान हो घर की तरक्की हो जाती है, घर तरक्की वाल वाधा है। इस करके पिंड ने उन्होंने आस रखी है, जिम्मेवारी सौंपी है। मैं आस करता कि इस जिम्मेवारी जो पिंड ने सौंपी है उस तनदेही अपना फर्ज समझते हुए निभाएंगे। बाकी मैं बेनती करता समुचे नगर में भावे किसी भी पार्टी के नाल संबंधित है, जो चोणां होंदियां ने हर एक नूं आस होंदी है कि मेरा उम्मीदवार जिते वह अपने उम्मीदवार को जिताउण वास्ते पूरी जदोजहद करता है। क्यों हर एक नूं तमन्ना होंदी है कि मेरे उम्मीदवार की जित होवे, वह अपने उम्मीदवार को जिताउण लई हर संभव यतन करता है। मैं तो एक गल कहूंगा कि जिन्ना चिर चोणां हो रहीआं ने जिन्ना चिर नतीजा नहीं आउंदा आपो अपने उम्मीदवार लई हर एक बंदा जूझदा है। हुण जो जित होगी जो नतीजा आ गया उसके बाद आप सारे मन मुटाव भुला दिए। क्यों आप नहीं सोचना चाहता कि वह अपने विरोधी है, वह अपने उम्मीदवार जिस तरह आप आपके उम्मीदवार जिताने वास्ते कोशिश करते हैं उस तरह अगला भी अपने उम्मीदवार जिताने की कोशिश करता है। सो जित के बाद नतीजे के बाद अपने मन मुटाव भुला दिए। सो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।